क्लास 10 एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन 4 का 9 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे हमको सीक्वेंस दिए है, ये सीक्वेंस एपी फॉर्म कर रही है या नहीं ये हमको बताना है। और अगर ये सीक्वेंस एपी फॉर्म कर रही है तो हमको इस सीक्वेंस के आगे के 3 टर्म्स फाइंड करने हैं। तो हम फर्स्टली डिफरेंस चेक करेंगे, डिफरेंस सेम आएगा तो हम उसे एपी बोल सकते हैं। तो A1 इक्वल टू 1, A2 की वैल्यू है 3, A3 की वैल्यू है 9 एंड A4 की वैल्यू है 27। ओके, तो हमें डिफरेंस चेक करना है। वो है A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू है 3 माइनस A1 की वैल्यू है 1 इक्वल टू 3 माइनस 1 माइनस हुआ तो 2 आएगा। उसके बाद A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू है 9 माइनस A2 3 इक्वल टू 6। उसके बाद A4 माइनस A3, A4 की वैल्यू है 27 माइनस 9 इक्वल टू 18। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है। तो डिफरेंस नहीं सेम आ रहा तो हम उसे एपी नहीं बोल सकते और आगे के टर्म भी नहीं फाइंड कर सकते। ओके, तो हम लिख सकते हैं इन द गिवन सीक्वेंस द डिफरेंस इज नॉट सेम सो द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स डज नॉट फॉर्म एन एपी। सो ये सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म नहीं करती। ओके,